साथियों नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार अग्रवाल। आज हमारे साथ हैं केजे क्लासेस के फाउंडर सीए कपिल जैन सर। सीए कपिल जैन सर एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं दोस्तों। भारतवर्ष के सभी प्रांतों के चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स एडवोकेट, टैक्स प्रोफेशनल, बिजनेसमैन सभी सर को जानते हैं। कोई ऐसा बिरला होगा जो सर को शायद ना जानता हो। आज सीए कपिल जैन सर वो शख्सियत बन गए हैं। साथियों, सीए कपिल जैन सर की सफलता की एक बहुत ही भावुक कर देने वाली कहानी है। अगर आपने आज ये ध्यान से सुन ली तो शायद आपका जीवन बदल जाएगा। तो आज सीए कपिल जैन सर की सफलता की कहानी, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। आइए मिलते हैं सीए कपिल जैन सर से। सर नमस्ते। नमस्कार जी। सर आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। सर मैं चाहता हूँ कि आप दर्शकों को बताएं कि आपकी सफलता की क्या कहानी है। आप एक गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, आपके पास संसाधन नहीं थे, आपके पास एजुकेटेड फैमिली नहीं थी जो हमें एक सपोर्ट मिले, और आज आप लाखों करोड़ों युवाओं के मार्गदर्शक बन गए हैं। सर तो कृपया दर्शकों को बताएं कि आपकी सफलता की क्या कहानी है। पहली बात तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा प्रवीण जी आपका, आपने अपना कीमती समय निकाला और जेवर से दिल्ली आए इस प्रोग्राम को कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, तो आप में मोटिवेशन बहुत है तभी आप जेवर से दिल्ली यहाँ पर आप मेरा ये इंटरव्यू लेने आए, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इसके अलावा जैसा आपने बोला कि मैं एक मिडिल क्लास से या लोअर मिडिल क्लास की अगर मैं बात करूँ तो मैं वहाँ से बिलोंग करता था। उसके बाद आपने बोला कि करोड़ों लोग, करोड़ों तो नहीं लेकिन लाखों लोग थोड़ा जानते हैं यूट्यूब पे। ठीक है, तो इसमें मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि बिल गेट्स ने एक बहुत अच्छी बात कही थी जी सर, कि अगर आप गरीब पैदा होते हो जी, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है जी, लेकिन अगर आप गरीब मरते हो तो इसमें सिर्फ आप ही की गलती है। और ये बात मुझे आज से 15-20 साल पहले पता थी, तो इसी चीज़ को मैंने ठाना कि अगर मैं गरीब पैदा हुआ हूँ तो कोई दिक्कत नहीं भाई, ये तो जो भाग्य में लिखा था वो था, लेकिन मैं गरीब मरूंगा नहीं ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, ऐसी मेरी सोच है। तो इस चीज़ को काम करते हुए मैंने 10th क्लास करी, 12th क्लास में मैंने कॉमर्स साइड ली। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे 12th क्लास में साइंस साइड हम ले नहीं सकते थे क्योंकि साइंस साइड के ट्यूशन बड़े महंगे होते थे और आर्ट साइड बहुत ही हल्की लगती थी, तो हमने सोचा चलो कॉमर्स ले लेते हैं, एक अकाउंटेंट वगैरह की नौकरी लग जाएगी जी, उससे थोड़ा सा काम वाम हो जाएगा जी। तो वहीं से हमने एक अकाउंटेंट की नौकरी करी भी ग्रेजुएशन करने के बाद, लेकिन अकाउंटेंट की नौकरी करते करते हमें लगा कि ये करियर नहीं है, इससे अच्छा भी कुछ किया जा सकता है, जा सकता है। तो वहाँ पर हमने सोचा कि भाई चलो सीए के अंदर एडमिशन लेते हैं जी। तो वहाँ से हमने सीए करी, फिर उसके बाद सीएस करी, फिर डीसा करा, फिर जीएसटी करा। तो अगर मैं आपको कहूँ तो जब से मैंने शुरू करा है अब तक मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी भी मैं सीएफए की क्लास कर रहा हूँ, उसे पढ़ाई कर रहा हूँ। तो मेन चीज़ ये क्या है कि अगर आपको ग्रो करना है तो कई लोग ये कहते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता प्रवीण जी, लेकिन मेरा मानना यह है सफलता का एक ही शॉर्टकट होता है, अगर आप एजुकेशन अपनी बढ़ा लो। तो जैसे जैसे आप अपनी एजुकेशन बढ़ाओगे तो मेरा मानना ऐसा है कि आपको सफलता एजुकेशन के जरिए बहुत आसानी से मिल सकती है या जल्दी मिल सकती है। थैंक यू सर, आपने जो बातें बताई इससे हमारे लाखों युवा बहुत प्रभावित होंगे। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपके जीवन की कोई ऐसी घटना मुझे बताइए, कोई ऐसी घटना या कोई घर से की कोई ऐसी घटना हो जिस घटना ने आपके जीवन को पूरा प्रभावित कर दिया हो, मैं कहता हूँ कि आपका पूरा जीवन ही बदल दिया हो। तो घटना तो मेरे जीवन में बहुत घटित हुई जी, लेकिन उसमें से एक यादगार घटना है, मैं 9th क्लास में पढ़ता था, ये उन दिनों की बात है जब मैं 9th क्लास में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था और हमारा सर आफ्टरनून का स्कूल हुआ करता था लंच के बाद। तो जहाँ से मैं रहता हूँ, जहाँ से मैं आया हूँ, उस जगह का नाम आपने सुना होगा, उसे बोलते हैं जिला गाजियाबाद। ठीक है, मूवी भी आई है। हाँ, जिला गाजियाबाद मूवी भी है। तो वहाँ पे लोनी के पास एक जगह पड़ती है, उसका नाम है नंबर 2 जी। या आप उसे बोले 2 नंबर जी। तो जब मैं किसी को बताता हूँ कि मैं 2 नंबर पे रहता हूँ या 2 नंबर पे रहता था, तो मेरे दोस्त हंसते थे कि ये तो वैसे ही नंबर 2 का आदमी है। ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या होता था कि वहाँ पर शिक्षा का अभाव समझ लो या कोई चीज़ें अच्छी ना हो इस पर्पज से, वहाँ पर क्या है ना कुछ बुरी संगति में लोग फंस जाते हैं जी। तो मैं भी उस बुरी संगति का शिकार हुआ जी। 9th क्लास में मुझे अच्छे से याद है मैंने पहली बार सिगरेट पी
ठीक है, और मैंने पहली और आखिरी बार सिगरेट पी, ठीक है, और उस टाइम पर जो बच्चे बच्चे मिलकर जुआ भी खेला मैंने, जुआ कैसे ताश होता है ना, ताश जी, 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 तो मैंने वहाँ ताश भी खेले वहाँ पर। तो हुआ क्या, ये बात खबर मेरे घर पर पता लग गई मेरी सिस्टर को जी। उनका कल बर्थडे भी था, ठीक है, 19 अक्टूबर को जी। तो मेरी सिस्टर को ये बात जब पता लगी तो मुझे ये लगा कि घर पे नहीं पता लगनी चाहिए, लेकिन उन्हें मेरे ही किसी दोस्त ने बता दिया। और मेरी सिस्टर उस टाइम पर ना ट्यूशन टीचर थी, स्कूल टीचर थी जी। और मैं भी जो उनके ट्यूशन के बच्चे आते थे जी, तो मैं भी उन्हें मैथ पढ़ा देता था। तो मैं घर थोड़ा लेट गया, मैंने कहा कि शायद ना पता लगे, और उन्होंने मेरे से पूछा कि कहाँ से आयो, तो मैंने बोल दिया मैं वीडियो गेम खेल कर आयो। झूठ बोला आपने? मैंने झूठ बोला जी। उन्होंने कहा, उन्हें तो पता ही था जी कि ये वहाँ पे जुआ खेल रहा था जी, छोटा मोटा जुआ, 10-10, 20-20 रुपए वाला जी, तो ये वहाँ से आया है। उन्होंने कहा सच बता, मैंने कहा नहीं मैं सच बता रहा हूँ। तो मेरी स्कूल की पैंट टंगी हुई थी, उसमें बेल्ट लगी हुई थी, और लगभग 20-25 बच्चे उनके ट्यूशन में पढ़ रहे थे, और उनमें वो बच्चे भी थे जिन्हें मैं भी पढ़ाता जी। तो उन्होंने क्या करा, वो बेल्ट निकाली, ठीक है, और हमारी मम्मी ने कहा नहीं नहीं तुम इसे नहीं मारोगी, क्योंकि हमारी मदर हमें बहुत प्यार करती थी, अब भी करती है। हमारी सिस्टर ने गेट बंद कर दिया जी, और मम्मी को बाहर कर दिया, और जो बच्चे थे उन्हें भी बाहर कर दिया जी, और मुझे गेट बंद करके उस बेल्टों से मारा जी। 2-4 बच्चे अंदर भी थे, और जब बेल्टों से मारा वो बेल्ट टूट गई, तब तक मारा जी। तो उस समय मुझे अपनी एक बहुत बेइज्जती भी फील हुई, इंसल्ट भी फील हुई जी, कि भाई ये क्या कर दिया मैंने, मैं एक मतलब टीचर बनने वाला हूँ और मैं यहाँ पर पिट रहा हूँ, और किस वजह से पिट रहा हूँ कि मैं जुआ खेल के आया। तो उस दिन से मैंने अपने मन ही मन में, हालांकि उन्होंने मुझे भगवान की कसम दिलवाई, लेकिन उस कसम से ज्यादा मैंने अपने मन ही मन में प्रण किया कि आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं करूँ। संकल्प ले लिया आपने? हाँ, संकल्प ले लिया मैंने कि आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं करूँ जिससे मेरे परिवार को नीचा देखना पड़े जी। तो वो दिन था और आज का दिन था, तब से मैंने थोड़ा सा जो मेरी बुरी संगति है मैंने उसे छोड़ा, ठीक है, हालांकि कई बार ये बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, छोड़ना, लेकिन मैंने जैसे तैसे उसे छोड़ा। और आज मैं मानता हूँ कि अगर आप एक अच्छी संगति में रहते हैं तो आपके जीवन का बदलाव होता है। किसी ने कहा है कि अगर आप सक्सेस बनना चाहते हैं तो 5 सक्सेसफुल लोगों के बीच में रहिए, अगर आप 5 सक्सेसफुल लोगों के बीच में रहते हैं तो 6ठे सक्सेसफुल आप ही होंगे, 6ठे सक्सेसफुल आप ही होंगे, राइट। या अगर आपको जीएसटी में मेहनत करनी है, जीएसटी में टॉप पे जाना है, तो आपके इर्द गिर्द 5 लोग होने चाहिए ऐसे जिन्हें जीएसटी की महारत हासिल है जी। तो मैंने यही सारी चीजें करी, तो आज की डेट में जो मेरे पास, मैं आपको कहूँ ब्रह्मास्त्र है, मेरे मेरे दोस्त हो गए, मेरे टीचर्स हो गए जी, जिनकी संगत की वजह से मेरे मैं बहुत आगे जा रहा हूँ जी। जी जी, बहुत सुंदर सर, ये एक बहुत बड़ी घटना थी हमारे सीए कपिल जैन सर की, इस घटना ने सर के पूरे जीवन को बदल के रख दिया। देखिए, कोई भी हमारे बड़े हैं वो हमारे हित के लिए सोचते हैं, और जो वो एक्शन लेते हैं हमारे खिलाफ हमें बुरा लगता है, लेकिन वो हमारे जीवन को बदलने वाला होता है। सर, मेरा तीसरा प्रश्न ये है कि आप अपने दिमाग को मुश्किल परिस्थितियों में कैसे संभालते हैं? सर देखिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आप हमेशा, हर एक दिन आपका एक नया दिन होता है, कुछ नया करते रहते हैं आप, तो मुश्किलें आपके सामने आती होंगी, तो आप कैसे संभालते हैं? देखिए सर, मुश्किलें तो जीवन का हिस्सा है जी, वो तो जीवन में आएगी ही जी, लेकिन हमारा कंसर्न ये होना चाहिए कि उन मुश्किलों को कैसे हम टैकल करें, कैसे उसे हैंडल करें जी। तो रही बात अगर दिमाग की, तो दिमाग हमारा कुछ इस तरीके से डिजाइन है कि हमारे दो दिमाग होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। अगर आपने थोड़ा सा टाइम लगाकर अपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल कर लिया जी, तो आप अपनी जीवन को अच्छे तरीके से जी पाएंगे। जैसे अगर मैं आपको बात बताऊं कि कई बार आपका मन करता होगा, आपका दिमाग करता होगा, आजकल पढ़ाई नहीं करते, चलो आज मूवी देख लेते हैं, कल से पढ़ाई कर लेंगे, या आज ऑफिस नहीं जाते, आज इस काम को नहीं करते, तो ये जो है आपका दिमाग आपको कह रहा है कि तुम आप कंफर्ट में जियो, क्योंकि जैसे दिमाग को, शरीर को कंफर्ट मिलता है, वो खुश होता है उससे, दिमाग सुख सुविधा चाहता है, सुख सुविधा चाहता है, ठीक है ना। तो लेकिन अगर हम अपने दिमाग को अपना नौकर बना ले, अपने दिमाग को हम अपना गुलाम बना ले कि भाई जो हम चाहें हमारा दिमाग वो काम करे, तो अगर आप ऐसा कुछ करने में सक्सेस हो जाते हैं तो आपका दिमाग उसी तरीके से काम करेगा जैसे आप चाहते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक छोटा सा एग्जांपल ही आपको बता देता हूं, अगर मेरा कोई फ्रेंड मुझे छोड़ के जाता है, मेरा कोई ऑफिस स्टाफ मुझे छोड़कर जाता है, या कोई भी व्यक्ति मुझे छोड़कर जाता है, या कोई ऐसी चीज़ जो मुझे नहीं मिलती जी,
जिस जो मुझे चाहिए और उसे मुझे नहीं मिल रही और अब वो मुझे मिल भी नहीं सकती, तो मैं कभी उसके बारे में पॉजिटिव नहीं सोचता। क्योंकि अगर मैं ऐसी परिस्थिति में पॉजिटिव सोचूंगा तो मैं अपने दिमाग को तकलीफ दूंगा। करेक्ट। अगर आपने किस्सा सुना हो, एक बार लोमड़ी की एक कहानी है कि लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो लोमड़ी ने बोला अंगूर खट्टे। अब मेरा मानना ऐसा है कि भाई उसने वो बात सही बोली। करेक्ट। क्योंकि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना क्या उसने सही बोली या गलत जी। क्योंकि जो लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले अगर वो कहती मीठे हैं तो उसे शायद पूरी रात नींद ना आती। बिल्कुल नहीं आती। लेकिन उसने बोल दिया कि भाई अंगूर खट्टे हैं तो उसे पूरी रात अच्छे से नींद आई। मतलब कि कहने का मतलब क्या है, जो चीज़ हमारी है नहीं जी, जो चीज़ हमें मिल नहीं सकती उसके बारे में आप पॉजिटिव ना सोचें जी। ठीक है। लेकिन जो चीज़ तुम्हारे पास है, मान लो आपकी एडवोकेट की डिग्री है जी, मेरी सीए की डिग्री है जी, ठीक है, तो जो चीज़ हमारे पास है ठीक है, हम उसके बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचें जी। बहुत सुंदर, सीए कपिल जैन सर ने एक बहुत अच्छा संदेश दिया है, लोमड़ी वाला जो एग्जाम्पल दिया है ना, और ये समझ में भी आ गया होगा सभी दर्शकों को। अच्छा सर, मेरा अगला सवाल ये है कि हमारे भारतवर्ष के कुछ युवा ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं। सपोज दैट ये सोच लेते हैं कि हमारे पेरेंट्स का पैसा नहीं है, या हम गरीब फैमिली में पैदा हुए हैं, या हम ये चीज़ कर नहीं सकते हैं, सीए बहुत टफ है, हम कर नहीं सकते हैं। ये वीडियो स्पेशली बनाई भी उन्हीं लोगों के लिए जा रही है कि एक बहुत अच्छा संदेश जाए भारतवर्ष में और ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभाएं निकल के आएँ सर आपकी तरह। सर आप हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, जैसा आपने बताया मुझे कि हम सब ये सोचते हैं कि ये हम नहीं कर पाएंगे जी, हमारे पास तो पैसा ही नहीं है जी, हमारे पास तो 10th 12th ग्रेजुएशन में कम नंबर आए जी, हमारी तो इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है जी जी। तो मैं उन लोगों को ये बता दूँ कि फाइनेंशियल बैकग्राउंड तो आपको मेरा पता ही है, आपने मेरी एक दूसरी वीडियो भी यूट्यूब पर देखी होगी जी। मेरे फादर स्ट्रीट वेंडर थे, ठीक है, उनकी मंथली इनकम 2000-3000 रुपये हुआ करती थी। अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ तो ग्रेजुएशन में मेरे 47% मार्क्स है जी, और 10th में 57% मार्क्स है। और अगर इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश तो आज तक मेरी ठीक नहीं है जी। मैं आज भी आउन बोलता हूँ, मेरी वाइफ कहती है कि आप अपने प्रोनाउंसिएशन को सुधारो, कई शब्द ऐसे हैं ठीक है जो आज भी मैं प्रॉपर नहीं बोलता जी। तो ये तो सब हर्डल्स है, लेकिन इसमें एक मजे की बात क्या है कि अगर आप सक्सेस हो जाते हो तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आप अपनी औकात से बाहर काम कर रहे हो जी। जो गरीब व्यक्ति है, गरीब इन द सेंस फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है जी, जिसकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, जिसके फाइनेंशियल्स इतने अच्छे नहीं है, जिसकी एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं है, तो उसकी औकात ही नहीं है सीए करने की मान लो जी। लेकिन अगर वो सीए कर जाता है जी, तो उसने औकात से बढ़कर काम किया। करेक्ट। तो लोग बाग उसे मानते हैं, उसे समझते हैं। देखो, इसमें बुरा मत मानना ठीक है, अगर आपके फादर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आपके दादा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आपकी फैमिली में 10 चार्टर्ड अकाउंटेंट है, पढ़ी लिखी फैमिली है जी, और फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट आपने कर लिया, तो शायद आपको इतना अप्रिशिएशन ना मिले ना मिले। लेकिन अगर मान लो कोई लो बैकग्राउंड से इस तरह का व्यक्ति कोई आके कोई चीज कर जाता है, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चाहे सिविल सर्विस है, चाहे एडवोकेट है, कुछ भी कर लेता है, अच्छा कर लेता है, तो लोग बाग उसे समझते हैं, क्योंकि उसने क्या करा है, अपनी औकात से बाहर काम किया जी। तो मेरा तो मानना यह है कि ज्यादा अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए है जिनके पास संसाधन की कमी है जी। उनके पास तो खोने के लिए कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, तो उन्हें तो जो भी पाना है आगे ही पाना है। उनके तो पिताजी की रेपुटेशन है ही नहीं कि भाई पिताजी की रेपुटेशन खराब हो जाएगी अगर सीए में फेल हो गए तो। करेक्ट। आप मेरी बात को समझे जी। तो यहाँ पर क्या है कि अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसके बेटे के लिए बड़ी टेंशन है जी, क्योंकि वहाँ तो रेपुटेशन है, घर में 10 चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अगर फेल हो गए तो दिक्कत है। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा मोटिवेशन उन्हें होना चाहिए जी, उन्हें इन चीज़ों को करना चाहिए जी। और आपको एक ही जीवन मिला है जी। या तो आप 135 करोड़ हिंदुस्तानियों की तरह बिता दो, लेकिन उसमें से अगर आप देखोगे 1% से भी कम लोग अपने जीवन में कुछ ना कुछ अपना लक्ष्य स्थापित करते हैं और उसे पूरा करते हैं। नहीं तो आम जिंदगी तो जीना बड़ा आसान है जी, आप कभी भी जी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप अभी भी जी रहे हो, अभी भी जी रहे हैं ठीक है, लेकिन आम से खास बनना उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अब कई लोग सोचते मेहनत करे क्यों, कई लोग सोचते जब जिंदगी चली रही है, आए कितने साल है, 50-60 साल की जिंदगी है, ऐसे ही जी लेंगे। लेकिन अगर कुदरत ने आपको चुना है, अगर भगवान ने आपको चुना है कि आप ये चीज़ कर सकते हो, भाई अगर मैं आज बोलूँ, अगर मैं आज
ज़्यादा काम भी ना करूँ प्रवीण जी, तो मेरे घर का जो खर्चा 20-30-40-50 हज़ार रुपये का खर्चा होगा, तो मैं वो आराम से आ जाएगा। लेकिन फिर भी आज मैं मेहनत कर रहा हूँ, आज पढ़ाई कर रहा हूँ, क्योंकि भगवान ने मुझे चुना है। मुझे ऐसा मेरा मानना है कि भगवान ने मुझे चुना है किसी काम के लिए, अच्छे काम के लिए, तो मैं मेहनत करूँ और करूँ, क्योंकि हर व्यक्ति को भगवान नहीं चुनता। ठीक है ना, बहुत सुंदर। सीए कपिल जैन सर ने बहुत अच्छा संदेश दिया है युवाओं के लिए कि हमें मानव जीवन मिला है, और जो हम दृढ़ संकल्प करें, निरंतरता पुरुषार्थ करें, संकल्प लें, सकारात्मक सोचें, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आज के समय में कोई भी कार्य नामुमकिन नहीं है, और बहुत बहुत सुंदर। अच्छा सीए सर, एक और मेरा लास्ट प्रश्न है आपसे कि आप निरंतर मेहनत कर रहे हैं, बहुत बड़े शख्सियत आजा बन गए हैं, अब आपका जीवन का लक्ष्य क्या है? सर देखिए, जीवन का लक्ष्य अगर आप मेरे से पूछते हो जी, तो जो लक्ष्य होता है ना जीवन का, ये चेंज होता रहता है जी। अगर मैं आज से 10 साल पुराना लक्ष्य की बात बताऊँ, तो उस टाइम पे मेरा लक्ष्य था कि मैं सीए कर लूँ, सीए करने के बाद मेरा एक अपना ऑफिस हो जाए। ठीक है, जब ऑफिस पूरा हो गया, फिर मैंने कहा नहीं, लक्ष्य और होना चाहिए जी। तो अभी का जो मेरा प्रेजेंट का लक्ष्य है कि 2021 के अंदर मैं अपना एक स्कूल ओपन कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो स्कूल और हमारा एक ट्रेनिंग सेंटर ओपन हम कर रहे हैं, तो हमें उसे सक्सेस करना है। ठीक है, इसके अलावा जो मेरी एजुकेशन है उसे आगे बढ़ाना है। ठीक है, और हिंदुस्तान में आने वाले समय में ऐसा मेरा मानना है, ठीक है, कि आने वाले 10 सालों में एक शेयर मार्केट का बहुत बड़ा रोल होने वाला है जी। तो थोड़ी नॉलेज वहाँ की लेकर और सारी चीज़ों को मैनेज करना है कि ये चीज़ें होती रहे। लेकिन ये सारे लक्ष्य क्या है अभी मैंने बनाए हैं, कई लक्ष्य क्या होते हैं चेंज हो जाते हैं, कई लक्ष्य पूरे हो जाते हैं तो फिर हमारे नए लक्ष्य बन जाते हैं। करेक्ट, आप किसी को भी मंजिल मत समझो सर जी। अगर आपने मेरे से कोई मेरा लक्ष्य पूछ लिया और मैंने उसे अपनी मंजिल बना ली, तो मैं पहुंच गया, तो इसका मतलब खत्म। फिर करेक्ट, मैं इसे क्या समझता हूँ, एक रास्ता समझता हूँ, एक रास्ता कि ये मेरे रास्ते हैं, मंजिल कोई नहीं है। तो रास्ते पे चल के आराम से मजे लेते हैं रास्ते के, ठीक है ना, और मंजिल तो कोई ना कोई अच्छी जो हमने बनाई है। जैसे अभी मैंने बोला स्कूल का मेरा प्रोजेक्ट है कि एक ऐसा स्कूल बनाऊँ, जैसे लोग बाग ये कहते हैं कि स्कूल से ड्रेसेस मिलती है, किताबें मिलती है, स्कूल वाले लूट रहे हैं, तो ऐसा मेरे स्कूल के बारे में कोई ना कहे जी। तो मैं कुछ ऐसा स्कूल बनाऊँ, तो जो मेरा अभी का प्रेजेंट का टारगेट है, ठीक है, ये ही मेरा अभी लक्ष्य मेन है। इसके बाद मैं दूसरे लक्ष्य बनाता रहूँगा और उन्हें पूरा करता रहूँगा। बहुत सुंदर, सीए कपिल जैन सर के आपने लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य भी सुन लिया है, बहुत ही बुलंद और नेक इरादे हैं। जो स्कूल के प्रति जो नेगेटिविटी फैल रही है समाज में, उसको भी सर ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। और आज सर ने जो अपने बारे में बताया, एक सफलता की कहानी, आप सबको मार्गदर्शक दिया है सर ने, तो मुझे लगता है कि जिन्होंने ये वीडियो बड़े ध्यान से सुनी होगी, वो आपके जीवन को बदल देने वाली है। बस सर ने जो बताया है, आप उसको ध्यान से सुने और एक प्रण लें, संकल्प लें, मैं गारंटी लेता हूँ कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। धन्यवाद, थैंक यू जी।